अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मोमिनीन को या अली मदद, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अज़ीज़ान, आज हमारे खमसाए मुहर्रम की आखिरी नशिस्त आपके सामने पांच हुई, जैसा कि हमने वादा किया था कि एक मुकम्मल खमसा आज़ादारी व करबला के लिहाज से आपके सामने रखा जाएगा। आज वादा हमारा पूरा होने जा रहा है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर ज़िंदगी रही अगले साल दोबारा इसी तर्ज अमल पर चलते हुए दिफाए तशय्यो और गज़ीदीत की ज़मीन पर नाक रगड़ना, ये सारा मामला चलेगा। आज अजीज़ान हमें एक वहाबी मौलवी को जवाब देना है, मौलवी महराज रब्बानी साहब। हज़रत ने करबला के लिहाज से कुछ उल्टी सीधी बातें करने की भी कोशिश की हैं, बिलखसूस माह मुहर्रम के लिहाज से। तो आज इनकी सारी बातों को आपके सामने क्लियर किए देते हैं और जो इन्होंने बहाना तराशी की है वो भी आपके सामने रख देते हैं, और इंशाल्लाह आज इनकी खयानतें और जहालतें आपके सामने वाजे करके जाऊँगा। अली को कब शहादत नसीब हुई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दामादे रसूल, हजरत अली की शहादत पर तो कोई दिन नहीं मनाया जा रहा है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला जो हजरत हुसैन के खालू हैं, हजरत हुसैन के कौन हैं? हजरत उस्मान का मकाम बुलंद है कि हजरत हुसैन का मकाम मखल बुलंद है? बोलो बोलो, नहीं मालूम तुमको? कितने इल्म हासिल करो, क्या हासिल करो? इल्म, इल्म एक नूर है। तुमने रोटियां कमाने के इल्म हासिल किए, दीन कमाने का इल्म तुमने हासिल नहीं किया, अफसोस की बात है। अच्छा जी, तो ये एक नया बहाना मिल गया, मौला अली की शहादत पर कुछ नहीं होता और हजरत उस्मान का तस्करा नहीं किया। तो भाई पहली बात तो ये, मौलवी मेराज रब्बानी साहब, इंसान को बयान देने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए इस मामले में, थोड़ी सी तहकीक का दामन अगर सामने रखते ना तो इस तरह कभी भी जाहिलाना बयान अपना देते। पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह सुल्तान करबला का गम मनाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही मौला अली सलावतुल्लाह अलैह, इमाम मुज्तबा, हमारे बाकी आइमा, मौला सज्जाद, इमाम बाकर, इमाम जाफर सादिक, ता इमाम हसन अस्करी, हम तो सारे आइमा का गम मनाते हैं। हर इमाम की शहादत पर कई जगह जंजीर जनी होती है या मातम होता है। आपको किसने कहा कि हम मौला अली की शहादत नहीं मनाते? कभी आए देखें तो सही, घर से बाहर तो निकले। अब आप सऊदी अरब में बैठे हैं, वहां के रियाल खा रहे हैं, तो आपको क्या पता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्या हालात हैं, वहां क्या मामलात हो रहे हैं ये सारे? थोड़ा सा इंसान को तहकीक कर लेनी चाहिए। रह गई हजरत उस्मान की बात, तो सीधी बात है, हम नहीं करते तस्करा, क्योंकि जब हम तस्करा करते हैं फिर आप लोग बुरा मान जाते हैं कि ये किस तरह कर रहे हैं। चलें आए आज सारे सारे के सारे जितने भी वहाबी मौलवी ये वीडियो देख रहे हैं सबको और शिया हजरात को भी मैं एक छोटा सा तोहफा देता चलूं। हाँ, आपको यही शिकवा ना हमसे कि हम हजरत उस्मान का तस्करा नहीं करते, चलें आपका ये शिकवा दूर किए देते हैं। शिकवा तो दूर होगा लेकिन उसके बाद शिकायत ना कीजिएगा, क्योंकि तस्करा हम करेंगे आपके घर की मुस्तनद किताब से, खत हम दिखाएंगे मौला अली का, मौला अली को सालिस बनाते हैं ना, मौला अली का फैसला सुनते हैं कि मौला अली हजरत उस्मान के तस्करे में क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, किस तरह कह रहे हैं, और ये बात आपके इमाम हलबी ने कैसे लिखी अपनी किताब में। किताब मैं आपको दिखाता चलूं, बेदलील कभी बात नहीं की हमने, मतबू दारुल इरशाद कराची मेरे हाथ में मौजूद है, आपके इमाम बुरहानुद्दीन हलबी की सीरत हलबिया, सीरत हलबिया मेरे पास मौजूद है जी, इसकी जिल्द नंबर 5-6, हिस्सा 100 में नसफ़े आखिर, सफ़ा नंबर 347। यहाँ पे हज़रत आयशा को मकतूब अली, टॉपिक का नाम है मौला अली ने हज़रत आयशा को ख़त लिखा था। हज़रत उस्मान से रिलेटेड बात है, मैं अभी जंग जमल की बारीकियों में नहीं जा रहा, ज़रा मौला अली का हज़रत उस्मान के लिहाज से जो मौला ने स्टांस लिया था अपने ख़त में हज़रत आयशा के लिहाज से वो देख लें, हज़रत उस्मान की मुवासलत से क्या बात कर रहे हैं।
मौला अली कहते हैं, जी अम्मा बात, आप अपने घर की चार दीवारियों से निकल आईं और ये समझ रही हैं कि आप मुसलमानों के दरमियान सुलह मसालहत और इसलाह कर रही हैं, और आप अपने ख्याल में खून उस्मान का बदला चाह रही हैं, लेकिन कल ज़रा गौर कीजिए, लेकिन कल खुद आप ही ने इनकी मुखालिफत पर कमर बस्ता थी। ठीक है जी, हज़रत आयशा को कह रहे हैं आप ही इनकी मुखालिफत पर कमर बस्ता थी, खुद आप ही असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के मजमे से कहती थी कि इस कम अकल बूढ़े को कत्ल कर डालो, इसने कुफर किया है, अल्लाह इसको हलाक करे। आज आप ही उनके खून खून का बदला मांग रही हैं। खुदा से डरिए और अपने घर लौट जाइए, इससे पहले कि अल्लाह ताला आपको फसीयत करे, आप अपनी पर्दा नशीनी की हिफाजत फरमाइए, खुदाए बुलंद बरतर के सिवा किसी में क्या ताकत और कुव्वत है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या कहने या अली, ये आप देख लें, मौला अली की विसाकत तो देने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, मौला अली से ज़्यादा सिका रावी हो कौन सकता है। जी मौलवी साहब, मैंने पहले ही कहा था, मैंने कोई शिया किताब तो नहीं ना पेश की, ये आप ही के इमाम हलबी साहब अपनी सीरत हलबिया में लिख रहे हैं, मैंने कोई शिया किताब पेश नहीं की। इसमें मौला अली का क्या खत है हज़रत आयशा को, क्या कहा था हज़रत आयशा ने हज़रत उस्मान को, पागल बुढ़ा काफिर, हलाकत की बददुआ की थी। मैं कहता हूं जरा सा इंसान अपने गिरेबान में झांक के देख ले, जिस पर्सनालिटी के बारे में आप हमें जिक्र करने का कह रहे हैं, उनका हजरत आयशा के सामने क्या कैलिबर था, और मरकजी रावी मौला आलिया मौला खत लिख रहे हैं। और इसकी रिवायत में भी कोई टाल मटोल नहीं हो सकती। फंस गए डेफिनेटली। माजरत के साथ, आपने खुद कहा था हजरत उस्मान का तस्किरा कर दें, तो मैंने कर दिया, अब आप जाने, आपका इमाम जाने। खैर अजीजान, हम चलते हैं मौलवी साहब की अगली वीडियो की तरफ, लेकिन जाने से पहले एक और बात की मैं वजाहत करूँ, ये जो खालू 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 आप लगे हुए थे, इमाम हुसैन का मकाम ज़्यादा बुलंद है हज़रत उस्मान का? डेफिनेटली मौला हुसैन का। कहाँ रसूलुल्लाह के आजू बाजू फिरने वाले, और कहाँ फर्जंदे रसूल खुदा। पॉइंट पॉइंट। और ये खालू खुलू की जिद छोड़ दें, रसूल खुदा की एक ही बेटी थी, और हम बारहा आपकी किताबों से साबित कर चुके हैं, दिल चाहे मुनाजरे के लिए तैयार हैं, इस मौजू पे कोई मुश्किल नहीं है, जिसमें आप ही के अकाबिर वहाबी उलमा ही के हम हवाले दिखाएंगे। खैर वो एक अलग बात है, उस बहस को छोड़ दें, मसला अभी करबला का चल रहा है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं और ये देखते हैं कि मौलवी साहब वहां हमें क्या कहना चाह रहे हैं। जी ये चाल चली गई कि तुम्हें यहूदीनों ने मुहर्रम का महीना, जो मुसलमानों की खुशियों मसरत का महीना था, गमो अलम का महीना बनाकर उनके लिए था, उन्होंने तुम्हें भी अपने रंग में लपेट लिया और तुम भी उस महीने को गलत समझ। अजीजान, मैं समझता था कि मौलवी साहब जाहिल हैं, लेकिन मौलवी साहब तो बच्चे निकले, बिल्कुल बचकाना बात की है, ना किसी शिया किताब का हवाला, ना कुछ, शिया सुन्नी छोड़ें भाई, किसी वहाबी किताब का हवाला तक नहीं दिया अपनी जो बात कर रहे हैं। यहूदियों की साजिश थी, मुहर्रम मुसलमानों की मुसर्रत का महीना था, जिन्हें बफर्ज महाल मान लिया, अस्तगफिरुल्लाह, मुहर्रम खुशियों का महीना था, इसे गम में बदला किसने, मौला हुसैन को मारा किसने, बनी उमैया, तो बनी उमैया कौन हुए, यहूदी। और बिलाखिर सुल्ताने करबला के जिक्र से इतनी आड़ क्यों, वजह क्या है? खैर वो वजह मैं वाजे नहीं कर सकता, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, बस एक दफा अपना जरा शनाख्ती कार्ड दोबारा चेक करवा लीजिएगा वल्दियत के लिहाज से। खैर आगे चलते हैं अजीजान, और ये देखते हैं कि बिल आखिर आज किस किस को इन्होंने यहूदी बना दिया। सबसे पहले तो मैं पेश करना चाहूंगा करबला के इसी तस्करे पर मुहर्रम अल हराम के लिहाज से, जो सारे मामलात हम उर्फन व अमूमन रखते हैं दुनिया के सामने, आपके इमाम इबन कसीर साहब की किताब अल बदाया व नहाया अल मारूफ तारीख इबन कसीर, इन्होंने भी वो पूरा वाकया लिखा, पूरी तारीख लिखी, हत्ता के यजीद का करबला के बाद जश्न लिखा, यजीद ने सेलिब्रेशन की थी कत्ल हुसैन की, खुदा लानत करे इस मलून पर। ठीक
ठीक है जी, ये है पहला यहूदी, यहूदियों की साजिश थी ना। दूसरा, ये तो खैर बहुत ही बड़ा इमाम है जिसे सारे वहाबी अपना पेशवा मानते हैं, इनकी किताब है जी आशूरा मुहर्रम अल हराम के फजाइल व अहकाम। ये किताब आप देख रहे हैं अजीजान मेरे हाथ में, ये किसकी किताब है? इब्ने तैमिया, फैजुल्ला एकेडमी से छपी है, ठीक है जी, घर नहीं बनाई मैंने, इब्ने तैमिया की किताब। इब्ने तैमिया तो खैर वो इमाम है आपका जिसकी तारीफों में वैसे ही आप लोग जमीन आसमान एक किए देते हैं, और अजीजान ये वो इमाम है इन वहाबियों का। टू बी ऑनेस्ट, सऊदी अरब जाके खुद आप तजुर्बा करके देख लीजिएगा इनके तमाम इल्मी मराकज में व मदारिस में, वहाँ काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा काला शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया चलता है। जहाँ बुखारी और मुस्लिम से ज़्यादा इस बंदे को कोट किया जाता है, इब्ने तैमिया। तो भाई आप कह रहे हैं मुसर्रत का महीना था, जबकि इब्ने तैमिया तो शरई मामले पे पूरी किताब लिख रहे हैं। दो यहूदी हो गए, खैर इन दोनों को छोड़े हैं तो वैसे ये सबसे बड़े इमाम वहाबियों के। लेकिन अब एक और मजे की किताब दिखाने जा रहा हूँ अजीजान, उसके बाद फैसला मौलवी साहब खुद करेंगे। ये मेरे हाथ में मौजूद है शरह बुखारी, तहसीरुल बारी, शरह सही बुखारी बादस कलाम बारी। इसकी शरह करने वाले हैं वाबी मौलवी वहीदुज़्ज़मान, अहले हदीस तो वाबी, दारुल कुद से छपी है, ठीक है जी। और इस बुखारी की शरह में अहदीस के हाशिए में उन्होंने मुकम्मल बनी उमैया की सारी बदमाशियां, यजीद का पलीद किरदार, एक एक चीज को वाजे किया और अच्छी खासी पिटाई की है बनी उमैया की, ठीक है जी। अब सर हम आपके घर की शरह बुखारी भी ना दिखाएं तो फिर क्या दिखाएं? अगर इसको भी ना माना जाए तो फिर किसको माना जाए? ये फैसला आप पे है। लें जी अजीजान, कितने यहूदी हो गए इनके? इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया, वहीदुज़्ज़मान, कितने हो गए? तीन। तो फिर अब मैं कहूंगा कि तीन होते ही यहूदी हैं, फिर आपको बुरा लगेगा, साबित हो गया मेरा तो कहना बनता है। लेकिन रह गया जिक्र इमाम हुसैन माह मुहर्रम में, इस लिहाज से क्योंकि आप लोग समझते हैं फतवों की जुबान, मैं वो कोटा भी क्लियर किए देता हूं। मेरे हाथ में अब जिसकी किताब है, इसको तो वैसे ही बरेलवी देवबंदी और वाबी सारे सारे ही मसालिक अपना इमामुल मुनाजरीन मानते हैं। ये कराची से छपा मेरे हाथ में मौजूद है जी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी का फतावा अजीजी। फतावा अजीजी, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी। फतावा अजीजी में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी साहब सफा नंबर 187 पर लिखते हैं, उनसे जब सवाल हुआ, जो बयान शहादत में जनाब सैयद शहदा सल्लल्लाहु अलैहि के वारिद है और गिरिया किया जाए, इस सवाल के नीचे वो जवाब में क्या कह रहे हैं? कहते हैं या किसी दूसरी जगह हो तो उसकी ज्यारत के लिए जाने में कुछ मुजायका नहीं। मजालिस के लिहाज से क्या कह रहे हैं? ज्यारत और मजालिस को जब कंबाइन करिए, सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं? कुछ मुजायका नहीं, कुछ मुजायका नहीं। और ये ना कहिएगा कि इबारत मैंने आधी नहीं पढ़ी, आधी पढ़ी, आगे इबारत है ही नहीं, आगे अगला सवाल शुरू हो रहा है, ठीक है जी। कुछ मुजायका नहीं है जी। मौलवी रब्बानी साहब, मैं अजीजान सारे जितने भी, मैं अभी फिलहाल शिया बरेलवी और देवबंद को एक साइड पर रखता हूं, मैं इनसे पूछता हूं वहाबी उलमा से, मैं आपको मानूं, आपके अकाबरीन को मानूं, मुझे इतना बता दें। मैं आपकी मानूं, आपके अकाबिर आइमा की मानूं? खैर आज तो आपने साबित कर दिया कि आपके अकाबरीन सारे यहूदी हैं। बंदा है खुदा, अभी आप कह रहे थे कि इल्म सीखो, रोटी कमाने का इल्म ना सीखो, दीन का इल्म सीखो, ये इल्म सीखा है आपने दीन का? अपने ही अकाबरीन की पोल खोल दी और उनकी तालीमात की सरीहन मुखालफत की है आपने, ये इल्म है आपका दीन के लिहाज से? तो फिर सुबहान अल्लाह। मसला ये है सर, आपको मैं दावत देता हूँ, आप पाकिस्तान आएं या हमारे यहाँ खाना खा के जाएं, क्योंकि सऊदी अरब के रियाल खा खा के ना आपका फ्यूज़ उड़ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। बेदलीली इधर की उधर बातें की हैं आपने, ना कोई हवाला, ना कोई दलील, ना कोई किताब, ना कलम। टू बी ऑनेस्ट अजीजान, मैं
मुझे लिटरली पहले तो गुस्सा आता था, फिर मुझे अफसोस होता था, आज मुझे हंसी आ रही है इनके बयान पे। ताज्जुब है खुदाया, झूठ बोलने में इनका कोई सानी नहीं है। यहूदियों के साथ ही सारे आपके इमाम यहूदी हैं, सारे भाभी यहूदी हैं, ये कोई सही रविश नहीं है सर। अगर इस तरह की गलत रविश पे चला जाए तो आपके अपने ही आइमा जद में आएंगे, हमारा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आपके अकाबरीन की बेबहा कुतुब सामने रख सकते हैं, वक्त के दामन में वसअत की कमी की वजह से मैंने फिलहाल इख्तसार से कुछ एक आध चंदा दलायल आपके सामने रखे हैं, ठीक है जी। और अजीजान मैं चूंकि फकीर सैयद हूँ, मैं मानने वाला हूँ कलंदर का, जिक्र हुसैन इब्ने अली का हो, कलंदर को पीछे छोड़ दें ये हो नहीं सकता। कलंदर के थ्रू सुल्तान करबला की बारगाह में सलाम करते हुए इस खमसे की आखिरी वीडियो में सलाम आखिर। यही अता तो जमाने भर के यजीदियों को जला रही है, दिलों पे छुरियां चला रही है, सदा ये सेवन से आ रही है। भूल ना जाना, यही तो वो जिक्र है कि जिसने, कलंदर बना दिया या हुसैन।